10 दिनों में आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। जी हाँ, आप सैम कट ऑफ रहेगा और 5 सितंबर तक में मेरिट आएगा। लिख के ले लो यार, इंतजार हमें भी है मेरिट का और आपको भी। अब जाने महादेव पीडीएफ में किसका किसका रोल नंबर अंकित होता है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जय हिंद दोस्तों। हमने अपने चैनल पे 2-3 वीडियो डाला था बिहार पुलिस से रिलेटेड, आप लोग काफी अच्छा सपोर्ट किए। तो उसी में से बहुत सारे भाई लोग, मतलब लड़की लोग भी थी, अभ्यर्थी जो थे 8415 सीट के जो स्टूडेंट हैं, वो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें इतना नंबर है, क्या मेरा मेरिट बनेगा। तो हमने कल कट ऑफ का वीडियो जारी किया था अपने चैनल पे, आप लोग कमेंट किए कि हमें इतना नंबर है, हमें इतना नंबर है। तो आप लोग को बता दें कि हम 3-4 दोस्त जो हैं अपने गांव के हैं और कुछ मेरा साथी है जो बिहार पुलिस में है, बीएमपी में है। तो उससे पूछे थे, एक राय लेके एनालिसिस करके वीडियो का कट ऑफ जारी किए थे खुद का। तो आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए। अब बात आता है दोस्त की, मेरिट कब आएगा? तो जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग तो हमारा वीडियो छोड़ के और किसी का भी देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप हमें पकड़े रहेंगे। तो भाई कल केंद्रीय चयन पार्षद आयोग में, मतलब दो पत्रकार हैं, एक है लाइव बिहार और एक है नव भारत, ऐसे करके नाम है। तो वो लोग गई थी, मैडम रूपम दीदी नाम है उनका और पता नहीं क्या नाम है, एक और सर थे, वो लोग मतलब आयोग में गई थी। तो पता किए वहाँ पे कि कब तक में मतलब मेरिट आने वाला है। तो वो लोग बताए कि 10 दिन में मेरिट आने वाला है। अब आपको बताए थे ना हम, मेरा पिछला वाला वीडियो आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था कि 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के बीच में मेरिट आएगा, 100% श्योर मेरिट आएगा। तो पिछला वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिए। और बात हुआ है 10 दिन का, तो कल वो लोग आयोग में गई थी और वहां से पता चला है उनको कि 10 दिन लगेगा। तो 26/10/6 यानी कि 5 सितंबर, इससे पहले ही आ जाएगा। 5 सितंबर तक में मेरिट आना 100% श्योर है। वहाँ से सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि 10 दिनों में आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 दिन में आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। हम तो पहले ही सब डिपार्टमेंट का बोली ना दिए, इंजीनियरिंग हो या सिपाही का हो या डॉक्टर का हो। अच्छा, सभी अभ्यर्थी जो अब बात करते हैं दोस्त की, लेट इतना क्यों हुआ, मेरिट आने में इतना लेट क्यों हुआ? तो दोस्त, मेरिट आने में लेट इतना इसीलिए हुआ कि एक लोहार जाति का है, मतलब जैसे कास्ट वाइज होता है ना, जनरल कास्ट भूमिहार ब्राह्मण यादव ऐसे करके कास्ट होता है, तो एक लोहार जाति होता है। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड सस्पेंशन में था कि यार इसको कौन से कैटेगरी में डालना है, तो लोहार जाति को EBC में डाले हैं अभी, जिसका कट ऑफ यही 70-72 के समथिंग में रहने वाला है मेल का, तो EBC में उसको डाल दिया गया है। इसके वजह से जितना संशय बना हुआ था, अब पूरे 8415 में जितना का मेरिट निकालेगा, जितना भी लोहार जाति का लड़का या लड़की लोग है, उसको तो EBC में डाला जाएगा। तो फिर से मेरिट तैयार है, मेरिट बना हुआ है, उसके बाद उसको लोहार जाति को EBC में किया गया, तो थोड़ा सा लेट लग सकता है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार आई, बदली, भाई हम लोग भी 5 महीने वेट किए हैं, स्टूडेंट हैं हम लोग भी, हम लोग को भी दिलासा नहीं होता है दोस्त। जैसे आप लोग को धैर्य नहीं है ना, वैसे भी हम लोग को भी धैर्य नहीं है भाई, हम लोग भी वीडियो देखते रहते हैं। अगर हम आप लोग के सामने में ज्ञान दे रहे हैं ना, या बता रहे भाई कि ऐसे ऐसे बात है, इतना दिन में मेरिट आने वाला है या ये कट ऑफ रहेगा, तो एक मन में संतुष्टि हमें भी होता है कि हाँ, अगर हम बता रहे हैं स्टूडेंट को, अपना वाला फील आप लोग को देना चाहते हैं यार, कि हम भी आप ही के समान हैं। तो यही सारा बात था दोस्त, बहुत जल्द मेरिट आने वाला, और लिखवा के ले लीजिए, 5 सितंबर तक में मेरिट आएगा तो आएगा। और कट ऑफ भी वही रहेगा जो वीडियो में डाले हैं, इसे जस्ट पिछले वाला वीडियो में कट ऑफ वाला वीडियो जारी किया है, आप लोग जाके देखिए, और सेम कट ऑफ रहेगा और 5 सितंबर तक में मेरिट आएगा। लिख के ले लो यार, लिख के ले लो, 5 सितंबर तक में मेरिट आएगा तो आएगा। काहे कि इंतजार हमें भी है मेरिट का और आपको भी है, वो PDF वाला लिस्ट आएगा ना, उसमें रोल नंबर लिख के चेक करना है कि मेरिट कब आएगा, किसका किसका बना है, बस उसी का इंतजार है दोस्त। तो देखना है क्या होता है, काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है और जिस हिसाब से नंबर उठा है, लगता है कि काम हो जाएगा। अब जाने महादेव PDF में किसका किसका रोल नंबर अंकित होता है यार, बस महादेव अगर साथ दे दे तो फिर, मतलब आने वाले टाइम में जो वीडियो डालेंगे और जो काम करेंगे, भाई कसम से कह रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। आई होप कि कुछ मन में है, खुशी है
और मतलब जुनून है वो चीज करने का कि करना है, और वो वीडियो भी आप लोग को दिखाना है कि हाँ भाई देखो एक सिपाही होके ये सब कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो। तो बस वही जुनून है, जज्बा है, और फिर आगे क्या बोल सकते हैं, बस इंतजार कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। वीडियो देखिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा बिहार पुलिस से रिलेटेड, मतलब कितना वैकेंसी कब आने वाला है, कितना क्या होने वाला है, फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा, सब चीज बताएंगे। बस पहले इसको क्लियर होने जाना है, पहले इसको क्लियर हो जाने दीजिए। अगर 8415 सीट का वैकेंसी का मेरिट क्लियर हो जाएगा ना, फिर इसके बाद इसका बचेगा वो मेडिकल बचेगा, ज्वाइनिंग बचेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचेगा, सब चीज होने के बाद फिर लगल 10 से 12 हजार के बीच में बिहार पुलिस का वो वैकेंसी आने वाला है। 10 से 12 हजार के बीच में वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस का, कह देते हैं अभी। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।